2023 में अभी तक वो कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसके ज्यादातर इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। Phronesis Investor Academy के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि HDFC के इक्विटी फंड्स इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में कैसे जनरेट कर पा रहे हैं, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फ्यूचर में भी हम इसी तरह का परफॉर्मेंस इन फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पब्लिश होने वाले वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स का अपडेट चाहते हैं, रेगुलर अपडेट, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी Phronesis Investor Academy के नाम से ही है। वहाँ पे किसी भी तरह का टिप्स या एडवाइस नहीं दिया जाता है, वहाँ पे आपको सिर्फ वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स का रेगुलर अपडेट मिलेगा। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि HDFC के इक्विटी फंड्स का करेंट परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पे आप HDFC के उन सारे इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर अभी तक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स चेक करें, ऑफकोर्स आपको रिटर्न्स इनके बेंचमार्क से कंपेयर करना पड़ेगा, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। लाइक HDFC टॉप 100 का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, इनका लार्ज कैप का फंड है, तो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में अबाउट 11% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 18% का रिटर्न दिया। तो बेंचमार्क से 7% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स है। HDFC लार्ज और मिड कैप फंड ने भी बेंचमार्क से 4% के लगभग ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। मल्टी कैप ने बेंचमार्क से अबाउट 12.3% ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, अगेन मिड कैप कैटेगरी का फंड है इनका, इसने अबाउट 7.7% ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है बेंचमार्क से। स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस फंड ने अबाउट 13.74% ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है बेंचमार्क से। यहाँ पे एक सरप्राइज ऑफकोर्स है, इनफैक्ट डिसअपॉइंटमेंट मैं इसे बोलूँगा, इनका वैल्यू फंड, क्योंकि HDFC जाना जाता है इनके वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, तो सरप्राइजिंगली सारे फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इनके वैल्यू फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऑल्दो बेंचमार्क को ये फंड भी बीट कर रहा है, लेकिन ये बेंचमार्क को सिर्फ 2.8% के आसपास के मार्जिन से बीट कर पा रहा है, जबकि दूसरे फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस फंड का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। HDFC टैक्स सेवर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस था कुछ सालों पहले तक, लेकिन अब इसका अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छा हो गया है। 7.5% के आसपास ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। डिविडेंड यील्ड फंड का ही परफॉर्मेंस ठीक है, ऑलमोस्ट 6% का ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है बेंचमार्क से। फोकस्ड 30 फंड का परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट 11.5% ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है बेंचमार्क से। फ्लैक्सी कैप का परफॉर्मेंस अगेन बहुत अच्छा है, 9.75% ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है अपने बेंचमार्क से। और ये यहाँ पे आप थीमेटिक और सेक्टर फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं, तो इनका बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड भी अच्छा कर रहा है, अबाउट 5% ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है बेंचमार्क से। इनका हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड बहुत अच्छा कर रहा है, अबाउट ऑलमोस्ट 13% ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है इनका HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, यहाँ पे अबाउट 14.5% का आउट परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इससे इस फंड को भी हम डिटेल में देखेंगे कि इतना ज़्यादा रिटर्न से कैसे जनरेट कर पा रहा है। यहाँ पे आप इन फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और इक्विटी एलोकेशन चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे ध्यान से समझिए, आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ से पता चलेगा। तो हमने कुछ दिनों पहले एक्सिस के इक्विटी फंड्स का डिटेल रिव्यू किया था, वहाँ हमने देखा था कि अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, ऑल्दो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस कम हुआ है उनका रिसेंट टाइम्स में, लेकिन अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है। तो वहाँ पे जो अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है उसके दो बड़े रीजंस हमें पता चले थे। एक तो ऑफकोर्स है ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, कि वो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट पूरा ही मैं बोलूँगा, वो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कि फ्यूचर में बहुत हाई रेट से ग्रो करेंगी वो कंपनीज, इसी कारण उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा होता है। जबकि HDFC के जो इक्विटी फंड्स हैं, ये ग्रोथ स्टॉक्स में तो ऑफकोर्स इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ वैल्यू स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लेते हैं। वैल्यू स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा कम होता है, और कुछ केसेस में काफ़ी कम होता है। तो ये स्टॉक्स जनरली इनका परफॉर्मेंस वाइज देखें तो परफॉर्मेंस कई बार ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, लेकिन
पोटेंशियली ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन काफी कम है, तो आने वाले फ्यूचर में इनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। और इनफैक्ट अभी जो पीरियड चल रहा है उसमें यही हो रहा है, ज्यादातर वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, इसीलिए HDFC के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। साथ ही एक्सिस के इक्विटी फंड्स के अंडर परफॉर्मेंस का एक और बड़ा रीजन रहा है कि वहां पे स्टॉक सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम है, लाइक स्टॉक सिलेक्शन शायद वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन HDFC के फंड्स में जैसा कि हम आगे इनका पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो उससे पता चलेगा कि इनका स्टॉक पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा रहा है, क्योंकि जिन हाई पी स्टॉक्स में भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है उन हाई पी स्टॉक्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का पोर्टफोलियो पी देखेंगे तो पोर्टफोलियो पी सभी का काफी कम है, लाइक HDFC टॉप 100 का 16 के आसपास है, HDFC स्मॉल कैप का भी 16 के आसपास है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का अबाउट 15 के आसपास है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का तो 12 से भी कम है। तो इससे यही पता चलता है कि ये जो फंड्स हैं वो वैल्यू स्टॉक्स में भी काफी बड़ा एक्सपोजर लेते हैं। जब इनका हम पोर्टफोलियो चेक करेंगे आगे तो वहां पता चल जाएगा हमें क्लियरली। यहाँ पे अगेन सरप्राइजिंग ये है, HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड, हमने देखा था कि इनका रिटर्न्स रिलेटिवली कम आया है, उसका बहुत बड़ा रीजन है इनका पी रेशियो। आप देखिए ये वैल्यू फंड है, वैल्यू फंड में आइडियली जो पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफी कम होना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट वैल्यू स्टॉक्स में होता है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे दूसरे फंड्स के मुकाबले भी इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है और रिटर्न्स भी रिलेटिवली कम आ रहा है, ये पी रेशियो काफी कम होना चाहिए आइडियली। दूसरे फंड के दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज के वैल्यू फंड का अगर आप पी रेशियो देखेंगे ना तो काफी कम है और उनका रिटर्न्स भी जनरली अच्छा आया है। इन फंड्स का अगर आप एनुअल टर्नओवर देखेंगे तो एनुअल टर्नओवर ज्यादातर फंड्स का काफी कम है, इसका मतलब ये हुआ कि HDFC के ज्यादातर जो इक्विटी फंड्स हैं वो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, दैट इज वो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज्यादा बाय एंड सेल नहीं करते हैं। यहाँ अगर आप इक्विटी एलोकेशन देखेंगे तो ज्यादातर फंड्स का इक्विटी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सिर्फ कुछ फंड्स हैं जहाँ पे कैश या फिर डेट में इन्वेस्टमेंट रखा गया है, लाइक HDFC स्मॉल कैप फंड में अभी भी डेट और कैश में अच्छा एलोकेशन है, HDFC फोकस 30 में भी कैश और डेट में अच्छा एलोकेशन रखा गया है। तो कुछ फंड्स अपना कैश या डेट में एलोकेशन ज्यादा रखते हैं जब उन्हें लगता है कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है, तो उस समय वो अच्छे वैल्यूएशन पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के कुछ टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग भी चेक कर सकते हैं और साथ ही लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा कि HDFC के फंड्स जो है इतना ज्यादा जो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं। तो इनका पोर्टफोलियो आप देखें, बैंकिंग तो आपको पता है नो ब्रेनर, अगर आपने ऐसे बैंक्स में इन्वेस्ट किया है जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो रीजनेबल है, अच्छे बैंक्स हैं तो रिटर्न्स तो अच्छे आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे तो ICICI और HDFC के जो रिटर्न्स हैं बैंक्स के वो काफी अच्छे आए हैं, वैल्यूएशन अभी भी इन दोनों का ज्यादा नहीं है, रीजनेबल है। अगेन SBI का अगर आप रिटर्न्स देखें लास्ट 1 ईयर में तो बहुत अच्छा है। इन्फोसिस आईटी कंपनी, आईटी के ज्यादातर कंपनीज का परफॉर्म, लार्ज कैप की कंपनीज का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो -13% का रिटर्न यहाँ पे है। भारती एयरटेल ये देखिए इंटरेस्टिंग है, इनका पी रेशियो कितना ज्यादा है लेकिन इनका रिटर्न्स 19% का अच्छा रिटर्न्स है। यहाँ पे PSU आप देखिए, SBI में इन्वेस्टमेंट है, NTPC है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, इतने सारे PSU। उसके नीचे भी अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वहां पे आपको गेल, भारत पेट्रोलियम, बैंक ऑफ बड़ौदा मिल जाएगा। तो इन PSU का अगर आप लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो परफॉर्मेंस ज्यादातर PSU कंपनीज का आपको काफी अच्छा मिलेगा, लाइक अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का देखें 84% का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है, SBI का भी अच्छा है, NTPC का भी 18% का रिटर्न है। तो इनका जो वैल्यू स्टॉक्स है ना वहां पे इनके रिटर्न्स काफी अच्छे आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्टॉक जो इनका सिलेक्शन भी है ना उसे भी अच्छा माना जाएगा, लाइक भारतीय एयरटेल देखिए पी रेशियो कितना ज्यादा है, रिटर्न्स अच्छा आया है। साथ ही अगर आप SBI लाइफ का भी अगर आप देखें तो पी रेशियो बहुत ज्यादा है लेकिन रिटर्न्स आया है, पॉजिटिव रिटर्न है, बुरा रिटर्न नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल्स भी अगर आप देखें पी रेशियो कितना ज्यादा है लेकिन इनका भी रिटर्न्स आया है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ग्रोथ स्टॉक्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अगर सही से स्टॉक सिलेक्शन किया जाए तो ग्रोथ स्टॉक्स में भी आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे
जहाँ की रिटर्न्स अच्छे आए हैं। ऑफ कोर्स वैल्यू स्टॉक्स में तो ज्यादातर स्टॉक्स का ही परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। यहाँ पे आप HDFC टॉप 100 के पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। अगेन वेल नोन नेम्स ICICI से HDFC, रिलायंस, ITC, सारे का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। रिलायंस काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब इनका भी परफॉर्मेंस वापस आ रहा है। HDFC अगेन काफी अच्छा है। PSU यहाँ भी आप देखें कितने सारे PSU हैं, NTPC है, SBI है, कोल इंडिया एंड PFC, सारे PSUs हैं। यहाँ पे आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो मिड कैप कैटेगरी के ज्यादातर स्टॉक्स आपको मिलेंगे। तो इंडियन होटल्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अगेन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स PSU है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन बैंक, और नीचे के पोर्टफोलियो में आपको REC और PFC मिल जाएगा। तो यहाँ भी PSU स्टॉक्स काफी ज्यादा है, और इस फंड का भी जो परफॉर्मेंस हमने देखा था काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा है। तो यहाँ भी PSU स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट अभी तक हमने जो भी देखा पोर्टफोलियोज, वहाँ पे PSU स्टॉक्स आपको काफी ज्यादा मिल रहे हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। ये है इनके इंफ्रा फंड का सेक्टर एलोकेशन, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छा आया था। तो हम देखते हैं कैसे आया है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग आप ये देख लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफ्रा या कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन में ऑफकोर्स एक्सपोजर काफी ज्यादा है, अबाउट 25% का, लेकिन यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मिल जाएगा, आपको कैपिटल गुड्स मिल जाएगा, आपको मटेरियल्स मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। तो जनरली आपको दूसरे, अगर डाइवर्सिफाइड फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, मटेरियल्स, एनर्जी में भी अच्छा खासा एक्सपोजर होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा मिला है। इस तरह का ज्यादा एक्सपोजर आपको डाइवर्सिफाइड फंड में नहीं मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ये स्टॉक पोर्टफोलियो है, टॉप होल्डिंग्स, L&T परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पे PSUs भी अगेन बहुत ज्यादा है, कोल इंडिया आपको मिल जाएगा, SBI है, NTPC है, नीचे आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मिल जाएगा और PFC मिल जाएगा। तो यहाँ भी PSU का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। अभी हमने HDFC के इक्विटी फंड्स का जो डिटेल्स चेक किया है, उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये जो HDFC के फंड्स हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस क्यों दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आया है, अगेन मैं रिपीट कर दूँ, टू रीजन्स के कारण आया है मोस्टली। फर्स्ट ऑफ कोर्स है कि PSU स्टॉक्स में इनका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सेकेंड इनका स्टॉक सेलेक्शन भी अच्छा रहा है। HDFC का अगर आप पास्ट का परफॉर्मेंस देखेंगे, लाइक 2 ईयर्स के पहले का परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सालों तक काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। उस समय भी PSU स्टॉक्स में उनका अच्छा खासा एक्सपोजर था। इनफैक्ट वो बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण इनका अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था। लेकिन फ़िलहाल चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। बोला जाता है सबका समय आता है, तो फ़िलहाल HDFC के इक्विटी फंड्स का समय है। तो यहाँ पे जो PSU स्टॉक्स के कारण उनका उतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था, उन्हीं PSU स्टॉक्स के कारण फिलहाल इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। नाउ ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या HDFC के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी इतना ही अच्छा रहेगा। तो ऑफकोर्स फ्यूचर के बारे में एग्जैक्टली किसी को भी पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हाँ, अगर आप वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादातर वैल्यू स्टॉक्स का जो पैरामीटर्स है, फंडामेंटल्स है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे, खासकर उनका एफिशिएंसी, तो वहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि ज़्यादातर पैरामीटर्स में अभी भी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, यहाँ पे वैल्यू स्टॉक्स के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा था कि इनका परफॉर्मेंस पहले से ऑफकोर्स इम्प्रूव हुआ है, नो डाउट। लाइक PSU बैंक्स का अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल प्रॉफिट देखेंगे, वो 1 लाख करोड़ भी शायद क्रॉस कर जाए, कि काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन अभी भी प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादातर कंपनीज के साथ अगर आप मुकाबला करेंगे लॉन्ग टर्म का या मीडियम टर्म का, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस शायद उतना अच्छा आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बड़ा एडवांटेज था इनके वैल्यूएशन का, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज, अच्छी कंपनीज हैं, उनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है जनरली, जबकि जो PSU स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन काफ़ी कम है। लाइक हमने अभी चेक भी किया था ना, इन स्टॉक्स का वैल्यूएशन PE रेशियो बहुत कम था PSU स्टॉक्स का। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा हो, तो उस समय PSU स्टॉक, जिनका वैल्यूएशन बहुत कम होता है, जनरली उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है, और ग्रोथ स्टॉक्स का जनरली परफॉर्मेंस डाउन होता है। बट हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं है कि सारे वैल्यू स्टॉक्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा होगा या फिर सारे ही ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा।
वो भी हमने जो अभी लेटेस्ट डिटेल्स चेक किया था वहाँ हमने क्लियरली देखा है कि कुछ ग्रोथ स्टॉक्स का भी परफॉर्मेंस फिलहाल काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट कंडीशंस देखें, इसके बारे में मैंने जो लास्ट वीडियो पब्लिश किया था एक्सिस म्यूचुअल फंड्स पे, उस पर ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट पे अब स्टेबिलिटी मोस्टली आ चुका है। इंडिया में शायद यहाँ से नहीं बढ़े, यूएस में भी मोस्टली नहीं बढ़े, अगर बढ़ता भी है तो शायद एक रेट हाइक होगा और वो भी बहुत बड़ा रेट हाइक नहीं होगा। तो यहाँ से अब जो नेक्स्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट रेट कट का ही लग रहा है। तो अगर वर्ल्ड वाइड कोई प्रॉब्लम नहीं आया मेजर प्रॉब्लम, तब तो नेक्स्ट ईयर ये रेट कट होगा, और अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आता है यूएस में, तब तो इन फ्यू मंथ्स, दैट इज़ इस साल ही आप रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बट या फिलहाल कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम देखने को नहीं लग रहा है, तो लग रहा है नेक्स्ट ईयर ये रेट कट होगा। जब रेट कट स्टार्ट होगा या फिर मार्केट को लगेगा कि रेट कट अब आने ही वाला है, तो वहाँ से आप ये जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन, इनका भी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। इनफैक्ट अभी भी अगर आप कुछ ग्रोथ, अच्छे क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक्स का जो रिजल्ट्स आ रहा है वो देखेंगे, तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आया है, तो और उनका जो रिटर्न्स भी इम्प्रूव हुआ है लास्ट वन ईयर का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू स्टॉक्स हैं मोस्टली इस साल तक तो लगता है परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा रहेगा, नो डाउट, लेकिन गोइंग अहेड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स शायद ग्रोथ स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस है वो वापस आए और वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस शायद स्लोली कम होता जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि शायद उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो। जब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होंगे उस समय देखा जाएगा कि ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखना है कि ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स ये दोनों ही टाइम टू टाइम इनका परफॉर्मेंस चेंज करता रहता है। कभी ग्रोथ स्टॉक्स कुछ सालों तक अच्छा करेंगे, कभी वैल्यू स्टॉक्स कुछ सालों तक अच्छा करेंगे। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो इन बातों को ध्यान में रखें कि यहाँ पे सिंपल ये है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, पूरा पैसा किसी एक ही फंड हाउस या किसी एक ही फंड में नहीं लगा दें। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, लेकिन अगर आपको एक्सिस पसंद है तो एक्सिस के किसी फंड में इन्वेस्ट करें, थोड़ा एक्सपोजर लें, HDFC पसंद है तो वहाँ भी एक्सपोजर लें, लेकिन बस ध्यान रखें कि पूरा पैसा वहीं इन्वेस्ट नहीं कर दें। HDFC म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे भी हमें नज़र रखना होगा, क्योंकि जो PSU स्टॉक्स में इतना बड़ा एक्सपोजर है मोस्टली वो प्रशांत जैन के कारण आया करता था, लेकिन अब प्रशांत जैन HDFC म्यूचुअल फंड के साथ नहीं है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखना होगा कि जो न्यू फंड मैनेजर्स या न्यू मैनेजमेंट है वो PSU स्टॉक्स में किस तरह का एक्सपोजर लेते हैं फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो PSU स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं तो अभी तो वो नहीं निकलेंगे क्योंकि उनका अच्छा खासा रिटर्न्स मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में लाइक नेक्स्ट ईयर या उसके बाद उनका PSU स्टॉक्स में किस तरह का एक्सपोजर रहता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का एडवाइस नहीं दिया गया है यहाँ पे। अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी फंड से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपका किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है और आप फ्रोनेसिस इन्वेस्ट एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेरीज़ को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।